के जे पटेल की चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ फराड़ी साबूदाना की खिचड़ी। तो मैंने एक कटोरी जितना साबूदाना लिया है और जितना साबूदाना है उतना ही मैंने पानी इसमें ऐड किया है, यानी कि साबूदाना डूबने तक ही आपको पानी भरना है। अभी 2 या 3 घंटे तक उसको आप साइड पर रख दीजिएगा। तो अभी हमारा ये साबूदाना अच्छे से भीग गया है। अभी आप पोटैटो को काट कर रख दीजिएगा बारीक, और एक पैन में बटर या फिर वेजिटेबल ऑयल ले लीजिएगा। मैंने आधा कप बटर लिया है। इसके अंदर 1 चम्मच जितना जीरा ऐड करिए। और कड़ी पत्ता, मफरी के दाने, ग्रीन मिर्ची, अदरक की पेस्ट, ये सब ऐड करके उसको फ्राई करिए अच्छे से। अभी इसके अंदर काजू बादाम ऐड करिए और उसको थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाए उसके बाद आपको लास्ट में तिल डालने का है। अभी तिल को भी थोड़ा फ्राई कर लीजिएगा। इसके अंदर आप पोटैटो डालिएगा और इसमें थोड़ा नमक ऐड करके ढक कर इसको रख दीजिएगा ताकि अच्छे से पोटैटो पक जाए। अभी अदरक का पेस्ट है वो भी ऐड कर दीजिएगा। अभी इसको आप ढक कर रख दीजिएगा और बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए देख लीजिएगा कि पोटैटो पक गए हैं कि नहीं। तो अभी हमारे पोटैटो अच्छे से पक गए हैं। अभी इसके अंदर 1 चम्मच जितना हल्दी पाउडर डालिए और आपने जो भिगो के रखे थे साबूदाना उसको डाल दीजिएगा। अभी सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा पहले, और उसको फिर से 10 या 15 मिनट के लिए ढक कर रख दीजिएगा और अच्छे से पका लीजिएगा। अभी इसके अंदर किशमिश और 1 चम्मच जितना मरी पाउडर ऐड करिएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक ऐड करिए और अच्छे से फिर से मिक्स करिए इसको। अभी इसको कोथमी डाल के इसको थोड़ा फिर से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसको पका लीजिएगा। हमारी ये फराड़ी खिचड़ी अभी रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं अभी ये अच्छे से साबूदाना पक गया है। तो आपको ये फराड़ी खिचड़ी कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा अगर आपको ये फराड़ी खिचड़ी अच्छी लगी तो। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।